हाँ पे गई है तू, हाँ के जैसे रोना ना है। कैसा रोना? लेकिन अप्पा के आंसू निकलेंगे तो मेरे कैसे रुकेंगे? सब हुआ कैसे? हाँ? दो दिन पहले मैं जब घर आ रहा था तो मेरे सर पे कोई भारी चीज टकराई, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। तो अप्पा आपको यहाँ लेकर कौन आया? कौन ले आया? जीपीएस? जहाँ इनका एक्सीडेंट हुआ था वहाँ के लोगों ने इनकी हेल्प की और इन्हें यहाँ एडमिट करा गए। इनके पास इनका फोन वॉलेट कुछ नहीं था इसलिए हम आपको इन्फॉर्म नहीं कर सके। आज जब इन्हें होश आया तो इन्होंने हमें अपना रेसिडेंशियल नंबर दिया और हमने आपको कॉन्टेक्ट किया। एक्सरे रिपोर्ट कैसी है? ऑल द थिंग्स आर नॉर्मल। इन्हें ले जा सकते हैं? नहीं, आज इन्हें यही रहना होगा ऑब्जर्वेशन के लिए। आप इन्हें कल ले जा सकते हैं। मेडिसिन्स का असर है अप्पा, आप रेस्ट कीजिए, हम बाहर जाते हैं। अम्मा, हाँ, मैं आती हूँ। विशा, अप्पा ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं उन्हें? ठीक है, सर पे थोड़ी सी चोट आई है लेकिन बेटर है, कल हम घर ले जाएंगे। थैंक गॉड वो ठीक तो है, मैं देखता हूँ। नहीं, वो सो रहे हैं। कन्हा, तू घर जा, मैं यहाँ हूँ ना, मैं संभाल लूंगी। आप यहाँ से अकेले कैसे? मैं आपके साथ रुकती हूँ ना। करना, वो सारांश को भी ढूंढना है, पता नहीं वो बच्चा कहाँ चला गया। यहाँ जीपीएस बिल्कुल ठीक है, मैं हूँ ना। विशा, अम्मा ठीक है, सारांश दो दिन से लापता है, दो दिन से, हमें उसे ढूंढना चाहिए। चलो चलते हैं। नहीं युवराज, तुम मेरे साथ नहीं जाओगे, तुम प्लीज अम्मा के साथ रुको ना, वो यहाँ अकेले है, कोई जरूरत हुई तो। हाँ प्रीशा, वो ठीक है, लेकिन तुम अकेले? अकेली नहीं है प्रीशा, मैं हूं इसके साथ और हम दोनों साथ में देखेंगे सारांश को। अकड़ देखो इस सस्ते रॉकस्टार की, अब प्रीशा के भी रंग बदले हुए हैं, पर मुझे प्रीशा को अपसेट नहीं करना है, पटा के रखना है इस बेवकूफ औरत को। प्रीशा तुम ढूंढो सारांश को, बट प्रॉमिस मी जैसे ही मिलता है तो मुझे कॉल करोगी, और किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। चले। हाँ अम्मा, आप अपना ख्याल रखना, कोई भी जरूरत हो मुझे बुला लेना, मैं कल आती हूँ। सारांश का मिलते ही मुझे फोन कर देना। वेंकटेश्वरा, सारांश जल्दी से मिल जाए। ठीक है ना आप? मैं तो ठीक हूँ बसु, लेकिन मैंने सब कुछ खराब कर दिया, 10 लाख रुपए, तुम्हारे गहने। वो सब छोड़िए ना, आप ठीक हो जाइए, आप ठीक हो जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर मैं भी तो हूँ ना आपका, सब ठीक कर दूंगा। तुम क्यों आए हो यहाँ? कहा था ना कोई रिश्ता नहीं है तुमसे, शक्ल मत दिखाना। फिर भी तुम हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी यहाँ आने की? अयो, मैंने कहा था ना नहीं देखना चाहता तुम्हारी शक्ल। जीपीएस, आप ऐसे चिल्लाएंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। दपारंगो, मैंने ही बुलाया इसे। रिश्ता हम लोगों ने तोड़ा था ना इसके साथ, लेकिन इसने पूरी तरह से निभाया, आपके पीछे इसी ने सब कुछ संभाला है। जीपीएस अच्छा लड़का है ये। अम्मा बस क्या कह रही है यार, ओके, फार्म हाउस में जो कुछ भी हुआ उस हार का मेरी जेब में मिलना, अप्पा का गुस्सा तो सही है ना, लोग तो मुझे चोरी समझेंगे ना, पर अप्पा मेरा विश्वास कीजिए, ये मुझे फंसाने की सिर्फ और सिर्फ एक साजिश थी, मुझे बदनाम करने की कोशिश और कुछ भी नहीं। अम्मा जीपीएस, अबे ये साला बुड्ढा मरने को तैयार है पर अकड़ नहीं गई इस बुड्ढे की, अभी निकालता हूं इसकी अकड़। ये लीजिए। ये नद क्या है ये? सोसाइटी के जो 5 लाख रुपए बकाए थे, मुंह पे मार के आया हूं उनके, और देखिए लिखवा के लिया है कि अब अप्पा पे कोई केस नहीं हो सकता, कोई इन पे उंगली नहीं उठा सकता, कोई इन्हें चोर नहीं बुला सकता। जीपीएस देखो, 5 लाख रुपए ड्यू सारे क्लियर कर दिया इसने। वेंकटेश्वरा ने इसे भेजा है बेटे के रूप में, सब कुछ अच्छा ही किया इसने। जीपीएस
5,00,000 रुपए मेरे लिए। 5,00,000 रुपए क्या? 50,00,000, 5 करोड़, 50 करोड़ जितना भी होता ना मैं चुका देता। मुझे अपना घर गाड़ी अपने आप को भी बेचना पड़ता, मैं बेच देता, लेकिन मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आपको कोई चोर बुलाए, आप पे कोई उंगली उठाए, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और वैसे भी ये 5,00,000 तुझसे ही तो लिए हैं बुड्ढे, तुझको ही वापस कर रहा हूं। युवराज मुझे थैंक्स बोल रहे हो? आप मुझे थैंक्स बोल रहे हो? नहीं अपा, आप गुस्सा रहो ना मुझ पे, आप गुस्सा करो, लेकिन थैंक्स मत बोलो प्लीज। युवराज ये एहसान हम कभी नहीं चुका पाएंगे। एक ही पल में अपना बना के पराया कर दिया ना, बेटा भी बुला रहे हो और एहसान, एहसान तो आप लोगों का चाहिए मुझे प्लीज। आज के बाद कुछ भी हो जाए प्लीज मुझ पर विश्वास कीजिएगा और मुझे अपने आप से दूर मत कीजिए प्लीज, प्लीज मुझे अपने आप से दूर मत कीजिए अकबर। हाँ जी पीएस, पुरानी बातें भुला दो। पापा आशीर्वाद दीजिए प्लीज, आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे। अम्मा आप अप्पा के साथ बैठो ना, मैं आप दोनों के लिए एक अच्छी सी कॉफी लेकर आता हूँ। क्या निशान लगाया तूने युवराज पिल्ले, मान गए तुझे, क्या सटीक निशान लगाया। बुड्ढे की जबान बंद, मेरे दिए 5,00,000 रुपए के नीचे तो दब क्या हो, अब कुछ टाइम के लिए तो चुप रहेगा, उसके बाद कुछ और नया सोच लेंगे। कैसे हो अप्पा? तू बता कैसा लग रहा हो? सवाल का जवाब सवाल से, मतलब बिल्कुल ठीक हो आप। मतलब मुझे छुट्टी मिल सकती है? अप्पा मैं आपकी डॉक्टर नहीं हूँ, तो वो तो आपके डॉक्टर ही बताएंगे। सारांश, सारांश को नहीं लाए? मैंने बसु से बोला था, इसने कहा नहीं तुमसे? मैंने तो वो अप्पा पैंडमिक है ना, तो छोटे बच्चों का बाहर निकलना अलाउड नहीं है, तो मैं सारांश को कैसे लेकर आती? बहुत देर से आप बातें कर रहे हैं, आराम कर लीजिए। हाँ अप्पा, वरना आपको डिस्चार्ज नहीं मिलेगा। फिर तो आराम कर ही लेता हूँ मैं। कन्हा सारांश मिल गया, वो ठीक है ना? नहीं मिला अम्मा, सारांश नहीं मिला, कहाँ चला गया मेरा बच्चा? मेरी उम्र लग जाए उस बच्चे को। प्रीशा, हमें चलना होगा। क्या हुआ? शायद सारांश का पता लग सकता है। कैसे? चलो बाद में बताता हूँ, चलो। सॉरी, हमें अर्जेंटली जाना पड़ेगा, एक जगह है जहाँ शायद सारांश का पता लग सके। चलो। अम्मा ध्यान रखना अपना। हाँ अप्पा का भी, मैं आपको फोन करूंगी। सारांश मिलते मुझे फोन कर देना, ध्यान रखना अपना। वेंकटेश्वरा सारा जल्दी से मिल जाए। रुद्राक्ष बताओ तो सही कहाँ जा रहे हैं? वैकली पापा का पता लगाने के लिए मैंने उनके ईमेल को अपने फोन से लिंक किया था ताकि उनके नोटिफिकेशंस मुझे मिलते रहे। रवि नोटिफिकेशन आया है कि उन्होंने एक एटीएम से पैसा निकाला है। तो हम उस एटीएम के एरिया में चलते हैं और कोशिश करते हैं पापा को ढूंढने की। और क्या तो हमें वो एरिया कैसे पता चलेगा? बैंक चल के मैनेजर से बात करते हैं और एटीएम का एड्रेस निकालते हैं। मैनेजर वो एड्रेस बताएगा? तो फिर नेगेटिव सोच रही हो? मैं बस पॉसिबिलिटी बता रही हूँ। हाँ तो पॉसिबिलिटी पॉजिटिव भी तो हो सकती है ना। ओके सर, जल्दी चलो। सॉरी मिस्टर रुद्राक्ष, मैं ऐसी कोई डिटेल्स नहीं दे सकता। और प्रॉब्लम क्या है? तो एटीएम का एड्रेस ही तो चाहिए। बैंक की पॉलिसी है सर, सिस्टम अलाउ ही नहीं करेगा। लेकिन आई एम सॉरी, आपको प्रॉब्लम क्या है? आप अपने फादर से ही पूछ लीजिए, वो उन्होंने खुद बोला है पता करने। इन दैट केस अगर वो राइटिंग में रिक्वेस्ट दें तो हम उन्हें एटीएम लोकेशन भेज देंगे। तो उनके बिहाफ पे हम दे सकते हैं। अकाउंट उनके नाम पे है तो साइन भी उन्हीं के लगेंगे। और कोई हेल्प हो तो बताइए। जो हेल्प चाहिए वो तो कर नहीं रहे। अरे थैंक यू। इतनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने में क्या प्रॉब्लम है इनको? क्या जाके सिस्टम अलाउ नहीं करेगा? हम कौन सा इनके सिस्टम में जाके घुसने वाले हैं? मेरा तो मन कर रहा है इनका सिस्टम ही हैक कर लो और खुद ही एड्रेस पता कर लो। ये करते हैं। कैसे? हाँ बंटी, एक छोटा सा काम है, मैं तुझे एक एटीएम ट्रांजेक्शन का लिंक भेजता हूँ,
उसका एड्रेस पता करवा दे प्लीज। ये आंटी को हैकिंग आती? उसका एक हैकर फ्रेंड है, वो कर देगा। एटीएम जाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ, और राज अंकल वहां भी नहीं मिले। हर जगह देख लिया, एटीएम, बैंक, मॉल, हॉस्पिटल, दुकानें, कहीं नहीं है पापा। इसे कहां जा सकते हैं? और सारांश कहां होगा, कैसा होगा, कुछ कुछ नहीं पता। उन्होंने सारांश को कैसे रखा होगा अगर उन्होंने उसे कुछ 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 नहीं होगा, उसे कुछ नहीं होगा, पॉजिटिव सोचो। और मैं बता रहा हूँ ना, माँ ने इसीलिए बुलाया होगा कि शायद सारांश की कोई न्यूज मिली हो। फोन पे भी तो बता सकते थे ना, लेकिन बस एक ही बात बोल रहे थे, फौरन घर पर आ जाओ। हो सकता है घर पे पापा आ गए हो इसीलिए।